हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग, मेरे सारे फ्रेंड्स एकदम बढ़िया होंगे। मेरा नाम है किरण और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से एक स्टेनलेस स्टील पैन को हम नॉनस्टिक की तरह यूज़ कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले तो थैंक यू जिन लोगों ने भी मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब किया है। और एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरे चैनल की हर न्यू वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो ये मेरा एक स्टेनलेस स्टील का पैन है जिसको मैंने अच्छे से धोकर वॉश करके रख लिया था और गैस अभी मैंने ऑन कर लिया है। और इस पैन को ना एकदम अच्छे से गर्म होने देंगे। सबसे पहले पानी के जितने भी बबल्स दिख रहे हैं आपको पैन में, ये पूरे अच्छे से हट जाने चाहिए। पैन एकदम अच्छी तरह से गर्म हो जाना चाहिए और फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम रखा हुआ है। पैन के ऊपर हाथ रख के मैं एक बार चेक कर लूँगी कि पैन गर्म हुआ है कि नहीं, वो आपको फ़ील होगा। अगर पैन गर्म हो गया है तो वो हीट फील होगी और पता लग जाएगा कि पैन अच्छे से गर्म हो गया है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा वाला जो चम्मच होता है उस चम्मच में मैंने हाफ चम्मच थोड़ा सा ऑयल लिया है। ये नॉर्मल कुकिंग ऑयल है, एकदम थोड़ा सा ऑयल है, आप देख सकते हैं। और इस ऑयल को बस हम इस पैन की ग्रीजिंग के लिए यूज़ करेंगे। आगे जो हम रेसिपी बनाएंगे उसमें हम तेल का कहीं भी यूज़ नहीं करेंगे। अभी बस हम ऑयल का इस पैन के ग्रीजिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो मैं स्पून से ही कर रही हूँ, आप चाहो तो ब्रश से भी कर सकते हो। तेल अच्छे से स्प्रेड कर लेने के बाद अब इस पैन को ना और थोड़ी देर गर्म होने देंगे, 1 से 2 मिनट, और इसमें से ना थोड़ा सा धुआं निकलने देंगे। ऑयल का जो हमने यूज़ किया या ये जो भी प्रोसेस अभी मैं कर रही हूँ ना, ये इस पैन को नॉनस्टिक कोटिंग देने में हेल्प करेगा। तो पैन देखिए यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गया है, हल्का सा इसमें से धुआँ निकलने लग गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने अपने हाथों में पानी लिया था, वो पानी के छींटे मैंने पैन के ऊपर डाल दिए। और पानी के छींटे डालने के साथ ही इसमें से जो ये वाटर बबल्स निकल रहे हैं, ये जो धुआं निकल रहा है ना, ये इस पैन को नॉनस्टिक कोटिंग बनाने में हेल्प कर रहा है। और जितना भी ऑयल हमने डाला था स्टार्टिंग में पैन को ग्रीस करने के लिए, वो पूरा का पूरा पानी का जो ये वेपर निकला ना उसके साथ उड़ गया है, एब्जॉर्ब हो गया है पैन के बेस में। तो अब हमारा जो पैन है वो एकदम रेडी है कुकिंग करने के लिए और इसके ऊपर जो नॉनस्टिक की कोटिंग आनी थी वो आ गई है। और अब जो भी रेसिपी मैं बनाऊंगी ना उसमें मैं कहीं भी आप देखेंगे कि मैं ऑयल नहीं यूज़ करने वाली हूँ, एकदम नो ऑयल, विदाउट ऑयल रेसिपी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने ऑमलेट बनाने के लिए थोड़ा सा बैटर रेडी करके रखा हुआ है। तो इस बैटर को मैं अब फटाफट अच्छे से थोड़ा सा विस्क मैंने कर लिया और अब इसको पैन में मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे सारा जो बैटर है वो मैंने डाल दिया है पैन में। बैटर डालने के साथ वो खुद से पैन में अच्छी तरह से स्प्रेड हो गया है। तो चलिए इसको 1-2 मिनट के लिए ढक के पकाते हैं। 1-2 मिनट के बाद इसको मैं अभी चेक कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऑमलेट जो है वो अच्छी तरह से दूसरी तरफ से पक चुका है, बिल्कुल भी पैन में सटा हुआ नहीं है। मैं यहाँ पर पैन को थोड़ा सा मूव करके आपको दिखा रही हूँ। ऑमलेट दूसरी तरफ से अच्छे से पका हुआ है और पैन में इजीली मूव कर रहा है, एकदम परफेक्ट चारों तरफ से ब्राउनिंग हुई है। तो चलिए मैं एक स्पैचुला की मदद से इसको आपको फ़्लिप करके दिखाती हूँ। और ये देखिए कितना इजीली ये फ़्लिप हो गया है और दूसरी तरफ से भी कितनी अच्छी ब्राउनिंग हुई है। एक बार भी जो ऑमलेट है वो पैन में बिल्कुल भी किसी भी तरफ से नहीं चिपका है। तो दूसरी तरफ से भी थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए इसको मैं ढक के पका लूँगी। 1-2 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया और हमारा जो ऑमलेट है वो एकदम परफेक्टली रेडी हो गया है खाने के लिए। तो चलिए फटाफट मैं अब सर्व करती हूँ। और आप लोग भी इसी तरह से अपने स्टेनलेस स्टील पैन को नॉनस्टिक कोटिंग देके नो ऑयल विदाउट ऑयल रेसिपीज़ बना सकते हैं। डिफरेंट रेसिपीज़ आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट, चीला बना सकते हैं, पैनकेक्स बना सकते हैं। और देखिए ऑमलेट बनाने के बाद पैन जो है वो एकदम नीट एंड क्लीन है। हल्का सा आप चाहें तो एक टिशू की मदद से आप वाइप कर सकते हैं, एक कपड़े की मदद से, अदरवाइज़ पैन जो है वो एकदम नीट एंड क्लीन है और एकदम नो ऑयल विदाउट ऑयल रेसिपी जो है बन के तैयार है।
तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, यूज़फुल लगी होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। आपको लगता है अगर आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं उनके लिए भी यूज़फुल हो सकता है। और मैं मिलूंगी आपसे अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।